नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत करेंगे टाइम्स टॉप 100 के साथ। लालू यादव को जोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को आज सजा सुनाई जाएगी। ऑनलाइन सुनवाई को लेकर के जेल प्रशासन लैपटॉप मुहैया कराएगा। 15 फरवरी की कोर्ट 38 को दोषी करार दिया था। लालू यादव की सुनवाई को लेकर के आरजेडी का बयान, कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव को सजा होती है तो आगे कोर्ट में अपील करेंगे। लालू को मिलने वाली सजा को लेकर के आज न्याय यात्रा निकालेंगे तेज प्रताप। लालू को साजिश के तहत फंसाने जाने और सजा को लेकर के प्रचार प्रसार करेंगे। हिजाब विवाद को लेकर के कर्नाटक हाई कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में छात्राओं ने शुक्रवार को हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की थी। हिजाब विवाद को लेकर के कर्नाटक से मुंबई की छात्रों से अपील, कहा कि कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करें और एकजुट रहे छात्र। हिजाब विवाद को लेकर के आपको बता दें किस तरीके से एडवोकेट एमएम डॉर का बयान, कहा कि कोर्ट की आपत्ति को देखते हुए उन्होंने 5 छात्राओं की ओर से नई याचिका दायर की है। हिजाब विवाद पर बोले ओवैसी, ट्वीट करके कहा कि किसी का गुलाम नहीं है, मैं टोपी भी पहनूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा और मेरी बेटी भी हिजाब पहनेगी। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की 69 विधानसभा सीटों पर आज थम जाएगा प्रचार का शोर। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत, बुधवार को डाले जाएंगे वोट। आज हरदोई और रायबरेली के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में जनसभा कर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टाइम्स ऑन भारत से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव के शासन में आतंकियों के केस वापस लिए गए हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ शर्मनाक है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही हरदोई में अखिलेश यादव की भी जनसभा होगी। रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे अखिलेश। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की है अखिलेश यादव की शिकायत। सेफई में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप, एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के अलावा आज हरदोई में प्रियंका गांधी का दौरा होगा। लखनऊ के बीकेटी में जनसंपर्क अभियान के साथ ही नुक्कड़ सभा के जरिए चुनावी प्रचार करेंगी। उन्नाव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया रोड शो। दलित युवती की हत्या के मामले में पीड़िता की मां से मुलाकात की है। आज पीलीभीत में दूसरी बार जनसभा करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। सीतापुर और बाराबंकी में लोगों को संबोधित करके बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। स्मृति ईरानी प्रयागराज शहर की 3 विधानसभाओं में जनसभा करेंगी। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल और मंत्री सिद्धार्थनाथ के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे। आज लखनऊ दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल 23 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर के जनसभा करके वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर आज कांग्रेस की शक्ति यात्रा होगी। यात्रा में महिलाएं गुलाबी रंग के कपड़ों में शामिल होंगी। आज प्रयागराज में मायावती की रैली, केपी ग्राउंड से जनसभा को संबोधित करके लोगों से मंडल की 22 सीटों पर जिताने की अपील करेंगी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए 61% से ज्यादा वोटिंग। ललितपुर में सबसे ज्यादा 69.6% मतदान हुआ। पंजाब में भी 70% वोटर ने किया है मताधिकार का इस्तेमाल। मिशन मणिपुर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज इम्फाल के हफ्ता कांगजी बाग में मैदान की जनसभा को संबोधित करेंगे। अहमदाबाद ब्लास्ट फैसले पर समाजवादी पार्टी पर पीएम ने साधा निशाना, कहा कि कुछ दल आतंकवादियों पर मेहरबान है। सपा सरकार में धमाकों के आरोपियों के केस वापस लिए गए। प्रधानमंत्री के बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा कि साइकिल ग्रामीण भारत का अभिमान है, साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अखिलेश यादव की एक फोटो ट्वीट करके आरोप लगाया, लिखा कि अहमदाबाद ब्लास्ट के आतंकी के अब्बा जान बबुआ में निकले करीबी। टाइम्स ऑन भारत से बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, समाजवादियों के तार सीधे बम धमाकों से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मतदान के दौरान भिड़े बीजेपी एसपी कार्यकर्ता, फायरिंग में बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगी गोली। हाथरस में सिर में गोली लगने से बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला महामंत्री की मौत हो गई। लुधियाना में मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। ईंट पत्थर और धारदार हथियार से हमला हुआ। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिले तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव।
केंद्र के खिलाफ एकजुट खड़े होने को लेकर के चंद्रशेखर राव का बयान, कहा कि अभी तो शुरुआत है, जल्द ही दूसरे नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। चंद्रशेखर राव और उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर बोले नाना पटोले, कहा कि कांग्रेस के बिना गठबंधन संभव नहीं है। केसीआर और सीएम उद्धव की मुलाकात पर बोले रामदास अठावले, कहा कि कितनी भी पार्टियां साथ आ जाएं, लेकिन तीसरे फ्रंट का हम पर कोई असर नहीं होगा। हरदा की नींबू माल्टा पार्टी में हरीश रावत ने दी है एकजुटता का संदेश, प्रीतम सिंह समेत पहुंचे कई नेता। राजस्थान ने आरएएस मेंस 2021 परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है, आंदोलन स्थल पर पहुंचे सांसद और विधायक। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना जारी, मंत्री के एस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग। मध्य प्रदेश के रीवा में सांसद जनार्दन मिश्रा का विवादित बयान, कहा कि डिस्क बिना तोड़ने वाले फांसी चढ़ा दो। शिक्षा और कौशल क्षेत्र में जुड़े वेबिनार को प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे संबोधित। बिहार को सुपौल में पुलिस ने एक शव का 40,000 में किया सौदा। रूपेश पांडे हत्याकांड की जांच करने पहुंचे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, कहा कि मामले में किसी भी बच्चे को प्रताड़ना नहीं मिलनी चाहिए। नवी मुंबई में करीब 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला, कई ट्रस्ट की जमीन को जब्त कर लिया गया। एनएसए की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण से जुड़े मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी, सीबीआई ने एनएसए के पूर्व चीफ रवि नारायण से पूछताछ की है। 2007 में नगर निगम परिषद रंजन के मौत की गुत्थी सुलझी है, दिल्ली पुलिस ने उसकी बेटी और दोस्त कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया है। केरल के त्रिशूर में एक घर में एक ही परिवार के 4 लोगों की लाश मिली है, पुलिस ने आत्महत्या का संदेह जताया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सिविल लाइन क्षेत्र में सिलेंडर फटा, 6 व्यक्ति घायल हो गए। बिहार के गोपालगंज में प्रतिबंध कफ सिरप से भरा एक ट्रक जब्त कर लिया गया। ओडिशा के बजाजपुर में 4 पत्रकारों पर हमला हुआ, तीसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर के करने गए थे कवर। जयपुर में जेल में एक युवक ने आत्महत्या की है, आरोपी ने फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। बिहार झारखंड बॉर्डर के पास से नवादा में एक बस से राइफल के 1,000 से ज्यादा कारतूस बरामद हुए, आरोपी से पूछताछ जारी। पंजाब में अबुहर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई हुई, 3 संदिग्ध पैकेज जब्त किए गए हैं, पैकेज में ड्रग्स होने की आशंका जताई जा रही है। जरूर बटाले को लेकर के जेल से निकल करके घर में किया गया है नजरबंद, विशेष एनआईए कोर्ट ने दिया आदेश, बटाले को टेरर फंडिंग के लिए किया गया था गिरफ्तार। असम के गुवाहाटी में एक व्यक्ति की गोली मारी गई, व्यक्ति को अमाबस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कर्नाटक के नंदी हिल्स में पुलिस और भारतीय वायु सेना ने एक युवक को बचा लिया, युवक एलईडी पर फंसा हुआ था। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 570 नए केस सामने आ चुके हैं। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 167 मामले सामने आए, हालांकि कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। उत्तराखंड के चमोली में ताजा बर्फबारी हुई है, बढ़ी पर्यटकों की संख्या। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 17 रनों से हराया, टी20 सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा। भारत की जीत के बाद फैंस में खुशी की लहर, वेस्टइंडीज को हरा करके भारत 2016 के बाद पहली बार टी20 में नंबर 1 बनी। दीपक चाहर तीसरे टी20 में चोटिल हुए, श्रीलंका सीरीज से हो सकते हैं बाहर। सूर्य कुमार यादव ने तीसरे टी20 में मचाया कोहराम, खेली 31 गेंद की में 65 रन की धमाकेदार पारी। वेंकटेश अय्यर ने खेला एबी डिविलियर्स का स्पेशल शॉट, गेंदबाज को भी नहीं हुआ भरोसा। तेज गेंदबाज आवेश खान का आईपीएल 2021 में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला, वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 में किया था डेब्यू। रिद्वान साह की सम्मान में पत्रकार ने की है बेइज्जती, भारतीय क्रिकेटरों ने पत्रकार का नाम पब्लिक के बीच लाने के लिए कहा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विकेट कीपर रिद्वान साह को टीम में जगह नहीं मिली। यश धूल ने रणजी ट्रॉफी डेब्यू में रच दिया इतिहास, दोनों पारियों में शतक जमा करके स्पेशल क्लब में शामिल हुए। इंग्लैंड के 22 साल के बल्लेबाज ने मचाया कोहराम, जड़ा पीएसएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक। शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग 2022 के भव्य समापन, आतिशबाजी देखने के लिए
सैकड़ों की भीड़ जुटी। दुनिया भर में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की धूम मचाने वाली फिल्म पुष्पा द राइस को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर के तौर पर दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। अभिनेत्री कृति सैनन ने मिनी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता, तो वहीं विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह को बेस्ट क्रिटिक्स का अवार्ड मिला। फिल्म शेरशाह के लिए कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को बेस्ट क्रिटिक्स का अवार्ड मिला। सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी को बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला। फरहान अख्तर की शादी में ऋतिक रोशन ने जमाया रंग, डांस के बीच में ही भूल गए सेनोरिटा गाने का हुक स्टेप। दीपिका पादुकोण ने रखी गहराइयों की सक्सेस पार्टी, अनन्या पांडे समेत कई सेलेब्स पार्टी में पहुंचे। तितलियां गर्ल अफसाना खान ने मंगेतर साज के साथ शादी कर ली, खूबसूरत गहनों में सजी हुई दिखी दुल्हन। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की गाड़ी को रोका गया, सोनू सूद की गाड़ी की थाने लाया गया, सोनू सूद पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तम्बू संघ फिर से जमेगी, अजय देवगन की जोड़ी कैथे के हिंदी रीमेक गोरा की शूटिंग शुरू हुई। रणवीर जय और नेहा धूपिया के बाद बाकी गैंग लीडर्स ने भी छोड़ा रूडीज। यूक्रेन संकट के बीच भारतीयों को केंद्र सरकार की एडवाइजरी, सभी भारतीयों को फिलहाल यूक्रेन छोड़ने को कहा है। यूक्रेन से भारत लौटे छात्र का बयान, कहा कि यूक्रेन में लोग डरे हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते। रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच पूर्वी यूक्रेन के विद्रोहियों ने रूसी नागरिकों को बाहर निकालना जारी रखा। इसराइल के प्रधानमंत्री ने सभी इसराइल से तत्काल यूक्रेन छोड़ने की आग्रह किया। बेलारूस और रूस को संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी भी लगातार जारी है, बेलारूस में जब तक तनाव खत्म नहीं होता अभ्यास जारी रहेगा। अमेरिकी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बड़ा बयान, कहा कि यूरोप में युद्ध सच में संभव है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ब्रिटेन और यूएस रूसी कंपनी को डॉलर और पाउंड का एक्सेस नहीं देगा। पॉप ने यूक्रेन रूस संकट पर दुख जताया, कहा कि ईसाई होने पर गर्व करने वाले लोग दूसरों को दुश्मन के रूप में देखते हैं। पोलार बेलारूस की सीमा पर सैकड़ों प्रवासियों ने डेरा जमा रखा है। यूरोपीय संघ के एक शीर्ष अधिकारी चार्ल्स मिशेल ने कहा कि क्या रूस पश्चिम के साथ बातचीत करेगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल 1-3 मार्च तक स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान में ऑनलाइन हेट स्पीच और अफवाह फैलाने वालों को मिलेगी सजा, 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना स्पेशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल लॉन्च करेंगे, इसके जरिए फेसबुक और ट्विटर को चुनौती देंगे। सूडान में तख्तापलट के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है, प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए हैं आंसू गैस के गोले। नेपाल में अमेरिका के $500 मिलियन प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने दागे हैं आंसू गैस के गोले। न्यूजीलैंड में नहीं थम रहा प्रदर्शन, वेलिंगटन में संसद के बाहर टीकाकरण के विरोध में प्रदर्शन जारी है। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ 2 कोविड पॉजिटिव हुई है, बकिंगम पैलेस के प्रशासन ने बताया रानी को हल्के लक्षण है। अमेरिकी अरबपति जेफरी जेल में मृत पाए गए हैं, लड़कियों के यौन शोषण का आरोप था। अर्जेंटीना के जंगल में लगी आग को बुझाने के दमकल कर्मियों का अभियान लगातार जारी है। और ग्रीस में शिप में लगी आग से एक और व्यक्ति को बचाया गया है, 11 लोग अब भी लापता हैं। तो ये थी तेज रफ्तार में 100 बड़ी खबरें। अब 1 मिनट में कुछ अहम खबरें आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में अब आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल को आतंकवाद से जोड़ दिया, तो वहीं अखिलेश भी इस पर पलटवार करते हुए नजर आए। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। साइकिल बम को लेकर पीएम मोदी के इसी अटैक पर समाजवादी पार्टी तिलमिला गई है।
अब समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि किसान आम आदमी पार्टी और ग्रामीण भारत की साइकिल पहचान है, साइकिल का अपमान देश का अपमान है। अखिलेश ने बीजेपी पर पलटवार किया तो इसके जवाब में बीजेपी ने भी ट्विटर के जरिए वार किया और आतंकी के अब्बा के साथ फोटो खिंचवाने पर खिंचाई की। अखिलेश यादव और आतंकी के पिता की फोटो मुख्यमंत्री निवास पर आनी अपने आप में दिखाता कि क्या उन्होंने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था। साफ है यूपी के बाकी बचे चुनावी चरणों में आतंकवाद पर बीजेपी वर्सेज समाजवादी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। और अगली रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब के लिए हुए मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में 59 विधानसभा सीटों पर जहां पर 61% से ज्यादा मतदान हुआ, तो वहीं पंजाब की बात करें तो उत्तर प्रदेश से बढ़कर के 69% से ज्यादा मतदान हुआ है। यूपी के तीसरे चरण और पंजाब के लिए हुए चुनाव में मतदाताओं ने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। रविवार को यूपी के तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 विधानसभा के लिए मतदान किए गए। इन 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग परसेंटेज 61.61% रहा। यूपी के तीसरे चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग ललितपुर जिले में हुई, जहां 69.61% मतदान हुआ। वहीं सबसे कम वोटिंग कानपुर नगर में हुई, जहां 56.14% मतदान हुआ। यूपी के तीसरे चरण की सबसे हॉट सीट करहल विधानसभा थी, जहां से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। करहल सीट पर 65.10% मतदान हुआ। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में 117 विधानसभा के लिए मतदान हुआ। यहां वोटिंग परसेंटेज 59.65% रहा, जो यूपी के तीसरे चरण में हुए चुनाव से ज्यादा है। पंजाब में सबसे ज्यादा वोटिंग श्री मुख्तसर साहिब में हुआ, यहां वोटिंग परसेंटेज 78.47% रहा। वहीं पंजाब में सबसे कम वोटिंग साहिबजादा अजीत सिंह नगर में हुई, यहां मतदान 62.41% रहा। हालांकि सभी प्रत्याशियों का भाग्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसके नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। तो देखिए, बढ़ चढ़ कर के वोटिंग तो हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव में झड़प की भी खबरें सामने आई। यहां पर यादव लैंड मैनपुरी में वोटिंग को लेकर के बीजेपी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इस दौरान हुई फायरिंग में गोली लगने से बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल भी हो गया है। एक मिनट में पूरी खबर देखिए। यूपी विधानसभा के तीसरे चरण में कुछ हिंसक घटनाएं भी सामने आई है। यूपी के मैनपुरी में मतदान के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि मैनपुर के अवध नगर में फर्जी मतदान को लेकर बीजेपी और एसपी समर्थक भिड़ गए। इसी दौरान हुई फायरिंग में अमन पांडे नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में एक एसपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। वो तो पुलिस ने जिस एसपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया उसका नाम अंशु यादव बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में अन्य आरोपियों की भी शिनाख्त की जा रही है, जो झड़प में शामिल थे। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के प्रचार का शोर भी थम जाएगा। 23 फरवरी को होने वाली वोटिंग के लिए सियासी पार्टियों के दिग्गज आज धुआंधार प्रचार में जुट जाएंगे। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के प्रचार के आखिरी दिन सियासी दिग्गज आज कहां कहां प्रचार करने वाले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए वोटिंग है, जिसके लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन भी है और सियासी दिग्गजों ने आज पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह आज पीलीभीत और सीतापुर दौरे पर हैं, जहां वो 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम योगी की आज हरदोई, रायबरेली और लखनऊ में कई जनसभा है। वहीं स्मृति ईरानी भी आज प्रयागराज में 3 जनसभा को संबोधित करेंगी। एक तरफ बीजेपी ने जहां चुनाव प्रचार के लिए ताकत झोंक रखी है, वहीं विपक्षी दलों ने भी प्रचार के लिए जोर लगा रखा है। आज अखिलेश यादव हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में चुनावी दौरा करेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी लखनऊ और हरदोई में जनसभा करेंगी। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल भी लखनऊ और बाराबंकी में सभा करेंगे। आज हरदोई और लखनऊ में सबसे ज्यादा सियासी दिग्गजों की रैली है। जाहिर है सियासी पार्टियां इस चुनावी जनसभा में एक दूसरे पर जमकर हमला भी बोलेंगे।
और चारा घोटाले के एक अन्य मामले में दोषी करार दिए गए लालू पर आज रांची की सीबीआई कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। कोर्ट लालू यादव समेत 37 दोषियों को यह सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाएगी। एक मिनट में पूरी खबर। चारा घोटाला के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए के गबन के मामले में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को आज रांची की विशेष सीबीआई अदालत सजा का ऐलान करेगी। मामले में कोर्ट ने लालू यादव को 15 फरवरी को ही दोषी करार दिया था। रिम्स अस्पताल में भर्ती लालू यादव को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सजा पर अपना फैसला दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाएगी, जिसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं इस मामले में जेल में बंद दूसरे आरोपियों के लिए होटवार जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है। जिन धाराओं में लालू यादव को दोषी पाया गया है, इसके तहत न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में आरजेडी कैंप और लालू प्रसाद यादव के समर्थकों के लिए आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। वहीं पिता लालू के लिए तेज प्रताप यादव आज न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। तेज प्रताप इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे कि लालू प्रसाद को साजिश के तहत फंसाया गया है। और एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद तेज हो चुकी है, क्योंकि इस बार कमान संभाली है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने, जिन्होंने शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करके विपक्षी पार्टियों को साथ लेने पर मंथन किया। देश की राजनीति में एक बार फिर से तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में पहले ममता बनर्जी और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव एक्टिव हो गए हैं। चंद्रशेखर राव ने रविवार को शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और देश की राजनीति पर बात की। केंद्र के खिलाफ एकजुट खड़े होने को लेकर चंद्रशेखर राव ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, जल्द ही दूसरे नेताओं से भी वो मिलेंगे। आगे चल के मिल के काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु है जो हम कायल लोग हम जैसे सोचते हैं, उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा हिंदुत्व गलत काम नहीं सिखाता और ना ही बदला लेने वाला हमारा हिंदुत्व है। उद्धव से मिलने के बाद चंद्रशेखर राव ने एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मुलाकात की और देश की राजनीति में थर्ड फ्रंट को एकजुट करने पर चर्चा की। राव ने कहा कि आने वाले दिनों में सभी विपक्षी पार्टियां एकजुटता के लिए जल्द बैठक करेगी। और बजट में शिक्षा को लेकर के किए गए घोषणा को जमीन पर लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय एक्टिव हो चुका है और इसी सिलसिले में एक वेबिनार को आयोजित किया गया है, जिसमें सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और इस वेबिनार में शिक्षा उद्योगपति और बड़ी मात्रा में छात्र भी शामिल होंगे। वेबिनार में शिक्षा को आसान और रोजगार बनाने पर चर्चा होगी। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट 2022 में की गई घोषणाओं को लेकर आज शिक्षा मंत्रालय की एक वेबिनार सत्र को संबोधित करेंगे। वेबिनार में कई प्रासंगिक विषयों पर आधारित सत्र होंगे और इसमें कई मंत्रालयों और राज्य सरकारों के अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, कौशल विकास संगठन, शिक्षाविद, छात्र और अन्य विशेषज्ञ भाग लेंगे, जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। वेबिनार में पीएम मोदी शिक्षा को सुगम बनाने के सिद्धांतों और रोजगारों के अवसरों पर कई मंत्र भी देंगे। केंद्र सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य सार्वजनिक निजी क्षेत्रों विचार विमर्श करना है और प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों के कार्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए रणनीतियों की पहचान करना है, जिससे आने वाले दिनों में शिक्षा आसान और रोजगार परक बन सके। बजट में शिक्षा को लेकर जिन योजनाओं की घोषणा हुई थी, इस आयोजन के जरिए जमीनी स्तर पर इस पर काम शुरू करने को लेकर पीएम मोदी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। और राजस्थान में रीट पेपर के बाद अब आरएएस मेंस एग्जाम को लेकर के घमासान छिड़ चुका है। एन वक्त पर सिलेबस चेंज करने पर जहां पर छात्र इसे टालने की मांग करने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरएएस मेंस एग्जाम को रीट पेपर से बड़ा घोटाला बता डाला। राजस्थान के जयपुर में आरएएस 2021 की मुख्य परीक्षा को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हाल में परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में मुख्य परीक्षा की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग पर धरना दे रहे हैं।
अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्य परीक्षा के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया और सिलेबस में काफी बदलाव हुआ है, जिसके बाद अभ्यर्थी तैयारी नहीं कर पाए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा को 2-3 महीने आगे बढ़ाया जाए। वहीं छात्रों के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी आरोप लगाया है कि मिली भगत कर RAS मुख्य परीक्षा का सिलेबस बदल दिया गया है और RAS मेंस का एग्जाम रीट पेपर से भी बड़ा घोटाला साबित होगा। RAS मेंस एग्जाम इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के चेयरमैन का इसमें नाम सामने आ रहा है, जो रीट पेपर घोटाले में आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं। और बिहार के सुपौल में पुलिस पर एक बच्चे की मौत का सौदा करने का आरोप लगा है। इसे लेकर के एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस अस्पताल की मिली भगत सामने आई है। अधिकारियों ने पूरे मामले पर जांच की बात तो कह दी है, क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में एक मिनट में आपको दिखाते हैं। नोटों की ये गिनती एक 4 साल के बच्चे की मौत की डील को लेकर हो रही है। ये वीडियो बिहार के सुपौल से सामने आया है, जहां 4 साल के बच्चे की मौत की डील 40,000 रुपए में हुई। आरोप है कि ये सौदा सदर थाने के SO मनोज कुमार ने अस्पताल से कराया। दरअसल कुम्हेट गांव के विनोद यादव ने अपने 4 साल के बच्चे को सर्दी खांसी की शिकायत पर एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जहां डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई और अस्पताल ने पीड़ित परिवार से 60,000 ऐंठ लिए। इससे नाराज ग्रामीण जब अस्पताल पहुंचे तो वहां पहले से पुलिस मौजूद थी। हंगामा होने पर पुलिस ने मामला रफा दफा करने के लिए अस्पताल से 20,000 रुपए वापस दिलाकर 40,000 रुपए में मौत का सौदा कर दिया। वीडियो वायरल होने पर अब अफसर जाँच की बात कह रहे हैं। वीडियो का जाँच और अगर ऐसा कुछ ये होगा बात आएगा उसमें तो जांच करके जो है जो भी कार्रवाई होगी वो कराया जाएगा। परिजन पुलिस के रवैये से खफा हैं। अब देखना होगा कि उन्हें इंसाफ मिलता है या नहीं। जयपुर में IT कंपनी के एक इंजीनियर की पुलिस लॉक में मौत से हड़कंप मच चुका है। पुलिस ने युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार भी कर लिया। एक मिनट में पूरी खबर देखिए। ये तस्वीर जयपुर के अंकित त्यागी की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अंकित त्यागी की मौत पुलिस हवालात में हुई है। जयपुर की जवाहर सर्किल की पुलिस ने अंकित त्यागी को पॉक्सो एक्ट के तहत 18 फरवरी को गिरफ्तार किया था और 20 फरवरी को अंकित हवालात में फांसी से झूलता मिला। अंकित ने सुसाइड किया है या उसके साथ कुछ और हादसा हुआ है, अब इसे लेकर जाँच की जा रही है। कल ये अरेस्ट हुआ था और सुबह ये हवालात के अंदर मृत अवस्था में पाया गया। इसके संबंध में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जाएगी और जैसी स्थिति होगी वो समय समय पर। परिजनों की माने तो अंकित IT कंपनी में इंजीनियर है और आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता। परिजनों की माने तो पड़ोसियों ने आपसी रंजिश के चलते अंकित पर झूठा केस दर्ज कराकर पुलिस से गिरफ्तार कराया। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं अंकित की मौत से पर्दा उठाने के लिए अब इसकी मजिस्ट्रेटिव जाँच की जा रही है। यूक्रेन रूस के बीच जारी टेंशन का असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय स्टूडेंट्स अब वापस लौटने जा रहे हैं। उनकी माने तो यूक्रेन में जंग के माहौल से वहां पर रह रहे भारतीय इस वक्त बेहद तनाव में हैं और डरे हुए हैं। वहीं भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। यूक्रेन रूस के बीच जारी टेंशन और जंग के माहौल का असर भारत पर भी पड़ने लगा है। यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्र वहां के माहौल से सहमे हुए हैं। यूक्रेन से राजस्थान के कोटा लौटे छात्रों ने बताया कि इस वक्त यूक्रेन में हालात तनावपूर्ण है, कभी भी वहां जंग छिड़ सकती है। वापस लौटे छात्रों ने सरकार से अपील की कि वहां भारतीय फ्लाइट की संख्या बढ़ाई जाए ताकि लोग वापस लौट सके। और वहां फ्लाइट की भी काफी कमी है, इस वजह से देखा जाए तो वहां पे गवर्नमेंट को कई सारी और फ्लाइट लगानी चाहिए कि और ज्यादा से ज्यादा भारतीय यहां पे आ सके और अपनी जान को सुरक्षित कर सके, क्योंकि वहां पे अभी जान की हानि भी हो सकती है अगर वार बढ़ी तो। वहीं यूक्रेन रूस में जंग के अलर्ट के बाद यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास ने भी यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिक जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दे। यूक्रेन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी परिवार के साथ वापस लौटने की एडवाइजरी जारी की गई है। तनाव को देखते हुए अब यूक्रेन में रह रहे भारतीय वापस लौट रहे हैं। तो कुछ अहम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। यहां पर खबरें लगातार जारी हैं। क्या टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन में सुपर 30 में बात करेंगे देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबरें दिखाते हैं। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी।
इधर कर्नाटक सीएम बोम्मई ने कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करने और एकजुट रहने के लिए कहा है। सीनियर एडवोकेट एएम डार ने बताया कि कोर्ट की आपत्ति को देखते हुए उन्होंने 5 छात्राओं की ओर से नई याचिका दायर की है। इससे पहले सुनवाई में छात्राओं ने शुक्रवार को हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की थी। डोरंडा चारा घोटाला मामले में आज लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को सजा सुनाएगी। चारा घोटाले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। फिलहाल लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। दोषियों की सजा पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि सजा के ऐलान के बाद वो ऊपरी कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील करेंगे। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। आज से तेज प्रताप अपनी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसके जरिए वो जनता को बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव को साजिश के तहत फंसाया गया है। तेज प्रताप ने पहले भी कहा है कि वो अपनी इस यात्रा के दौरान बिहार सरकार की पोल खोलेंगे। बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव की सजा का ऐलान किया जाना है। वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में खेली गई T20 सीरीज भारत ने जीत ली है। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने क्लीन स्वीप किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 184 रन बनाए थे। जीत के लिए उतरी वेस्टइंडीज की टीम 167 रन ही बना पाई और भारत ने 17 रनों से मैच जीतने के साथ ही सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड सूर्य कुमार यादव को मिला। इससे पहले भारत ने वनडे सीरीज में भी क्लीन स्वीप किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिक्षाविदों को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी केंद्रीय बजट 2022 में की गई घोषणाओं को लेकर शिक्षा मंत्रालय के एक वेबिनार के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। वेबिनार में विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर आधारित सत्र होंगे। इसमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, कौशल विकास संगठन, शिक्षाविद, छात्र और अन्य विशेषज्ञ भाग लेंगे। और सुपर 30 में आप देखिए चुनावी राज्य की राजनीतिक खबरें। यूपी में आज चौथे चरण के लिए होने वाला चुनाव प्रचार थम जाएगा। 9 जिलों की 60 सीटों पर होने वाले मतदान में कई हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। इसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले भी शामिल हैं। इस चरण में जिन जिलों में वोट डाले जा रहे हैं वहां से मोदी सरकार के 4 मंत्री आते हैं। वहीं मैदान में 621 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हुई विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 61% से ज्यादा वोटिंग हुई। ललितपुर में सबसे ज्यादा करीब 70% मतदान हुआ। वहीं सबसे कम वोटिंग कानपुर नगर में हुई, जहां 56.14% मतदान हुआ। बता दें कि 16 जिलों की 59 विधानसभा पर 627 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। यूपी में फिलहाल 4 चरणों का चुनाव बचा है। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव पर सभी की निगाहें हैं। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर 59% मतदान हुआ। पंजाब में सबसे ज्यादा वोटिंग श्री मुक्तसर साहिब में हुआ। यहां वोटिंग 78% से ज्यादा हुई। वहीं पंजाब में सबसे कम वोटिंग साहिबजादा अजीत सिंह नगर में हुई। यहां मतदान 62.41% रहा। इस बार चुनाव में 1304 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब 10 मार्च को नतीजों का ऐलान होगा। सभी पार्टियों के नेता ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। तीसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही चौथे चरण की जंग शुरू हो गई है, जिसके लिए सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम सबसे पहले सुबह 11 बजे हरदोई में जनसभा करेंगे। इसके बाद 12 बजे रायबरेली की सरेनी विधानसभा क्षेत्र में लोगों को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:15 बजे के करीब हरचंदपुर विधानसभा में जनसभा के बाद लखनऊ रवाना हो जाएंगे, जहां उनका चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। आज दोनों नेता हरदोई के साथ ही रायबरेली में आमने सामने होंगे। अखिलेश भी सुबह 11 बजे हरदोई में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। 1 बजे के करीब रायबरेली में जनसभा करेंगे। इसके बाद 1:45 बजे सुल्तानपुर और 3:00 बजे अमेठी में सपा उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी हरदोई में चुनावी हुंकार भरेंगी। प्रियंका 1:00 बजे हरदोई में जनसभा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगी। इसके पहले प्रियंका लखनऊ के बीकेटी में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगी।
शाम 5 बजे लखनऊ में ही नुक्कड़ सभा के जरिए चुनावी प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए फ्रंट फुट पर खड़े होकर प्रचार में जुटी है। चौथे चरण में अयोध्या समेत अवध की कुछ सीटें बेहद अहम मानी जा रही है, जहां से कई दिग्गज मैदान में हैं। ऐसे में खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैक टू बैक सभाएं कर रहे हैं। आज शाह 3 जिलों में 3 सभाएं करने वाले हैं। सबसे पहले शाह पीलीभीत में लोगों को संबोधित करेंगे, इसके बाद सीतापुर के मोहाली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। वही शाम 4 बजे के करीब बाराबंकी पहुंचेंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगकर जीत की अपील करेंगे। लखनऊ में 23 फरवरी को मतदान होना है, जहां आज दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। योगी आदित्यनाथ प्रियंका गांधी के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ में रहेंगे। सुबह 10 बजे लखनऊ में जनसभा कर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर 12 बजे बाराबंकी के रामनगर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज संगम नगरी में चुनावी रैलियां करेंगी। स्मृति प्रयागराज की 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगी। सबसे पहले वो दोपहर 2:30 बजे दक्षिण विधानसभा के मीरापुर में, दोपहर करीब 4 बजे पश्चिम विधानसभा के प्रीतम नगर और शाम 5 बजे उत्तरी विधानसभा के कटरा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस आज शक्ति यात्रा निकालने वाली है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा सभी सीटों पर एक साथ शुरू होगी। इस दौरान शक्ति यात्रा में महिलाएं गुलाबी रंगों के कपड़ों में शामिल होंगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनका सामाजिक और महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रहा हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखनऊ में 1,00,000 महिलाओं के मार्च का आयोजन किया जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगी, जहां वो केपी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगी। इस रैली के जरिए मायावती मंडल की 22 सीटों को साधने की कोशिश करेंगी। दौरे को देखते हुए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मायावती के दौरे को लेकर केपी ग्राउंड में एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रयागराज मंडल के 3 जिलों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मणिपुर में 2 चरणों में वोटिंग होनी है। 28 फरवरी को पहला चरण तो 5 मार्च को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 60 सीटों वाले इस राज्य में चुनाव प्रचार के लिए आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, जहां वो 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सुबह 11 बजे के करीब जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं 2 बजे दूसरी जनसभा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं राहुल गांधी इम्फाल के शहीद मीनार पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, साथ ही महिला स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि देंगे। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना प्रदर्शन जारी है और आज कांग्रेस मंत्री KS ईश्वरप्पा के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने वाली है। विपक्ष के नेता सिद्धरमैया का कहना है कि जब तक ईश्वरप्पा को बर्खास्त नहीं किया जाता, उनके खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि ईश्वरप्पा ने बयान दिया था कि भविष्य में कभी भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। सुपर 30 में अब देखिए क्राइम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। बिहार में पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है, जहां पुलिस ने एक शव का सौदा 40,000 में करा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। मौत के बाद थानाध्यक्ष ने कार्रवाई ना करने की एवज में शव का सौदा 40,000 में कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने नाराजगी जताई। अब SDOP ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। और सुपर 30 में देखिए विदेश की बड़ी खबरें। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हैं। ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम ट्रूथ सोशल है, जिसके जरिए वो फेसबुक और ट्विटर को चुनौती देंगे कि वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम ट्रूथ सोशल होगा। इस ऐप का अधिकार ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के पास होगा। तो ये कुछ रिपोर्ट्स आपने हमारी देखी और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। पीएम मोदी से लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के अखिलेश यादव के खिलाफ रविवार को तर्कश से कई चुभते हुए तीर निकाले हैं, क्योंकि अहमदाबाद ब्लास्ट से लेकर के अयोध्या और काशी में हुए धमाकों को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा गया है। अखिलेश यादव
को आतंक का अब्बू जान, आतंक का भाई जान कहकर के तंज भी कसा गया। जवाब में अखिलेश यादव ने भी जबरदस्त पलटवार किया है और बीजेपी पर भी आतंकी होने का आरोप लगाया है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। आतंकी का अब्बू जान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। आतंकवादी का मुकामो बकायदा समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे। यूपी के चुनाव में अब तक तो पाकिस्तान, जिन्ना और गन्ना की बात हो रही थी, लेकिन चौथे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान आतंकवाद की एंट्री भी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए हरदोई पहुंचे और यहां से उन्होंने अहमदाबाद ब्लास्ट मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरे की बात है, इसलिए हर देशवासी को इसके बारे में जानना जरूर चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसके बाद गोरखपुर और अयोध्या धमाकों की चर्चा भी की और समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार पर इस हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी करके बचाने का आरोप लगाकर निशाने पर ले लिया। 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था। 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था, लेकिन अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई। अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे। 2013 में समाजवादी सरकार ने फिर आतंकी पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब समझने वाली बात यह है कि यूपी के चुनाव में अचानक से आतंकवाद की गूंज आखिर क्यों सुनाई देने लगी है, तो इसके लिए आपको दो दिन पहले का एक अदालती फैसला जानना होगा। ये फैसला 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट पर सुनाया गया था और कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। खास बात ये थी कि जिन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई, उनमें से पांच का संबंध आजमगढ़ से था। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का किला माना जाता है और इसीलिए समाजवादी पार्टी बीजेपी के टारगेट पर आ गई। अहमदाबाद बम धमाकों के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी अब तक मौन है, चुप्पी साधे हुए हैं। कारण क्या है? आतंकी का अब्बू जान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। अखिलेश जी की बंद है जुबान। बीजेपी के इस आरोप पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। जिस तरह के स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, उसी तरह के स्कूल से वो पढ़े हैं। अगर मैं उनके साथ हूँ तो वो भी मेरे साथ हैं। और जहाँ तक सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री हैं। जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ कर के डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूँ तो वो भी आतंकवादी होंगे।
यूपी में 172 सीटों पर मतदान हो चुके हैं, 230 से ज्यादा सीटों पर मतदान होना अभी बाकी है और आतंकवाद के मुद्दे पर मामला गर्म होने के बाद सियासी पंडित मानकर चल रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे दोनों ही दलों के तर्कश से कई ऐसे तीर अभी और भी निकलेंगे और तब वार पलटवार और ज्यादा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए रविवार को मतदान हुआ। पंजाब में करीब 70% वोटिंग हुई, जबकि 2017 में 76% से ज्यादा वोट पड़े थे। लेकिन 2017 में 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन इस बार क्या होगा? वोटिंग के नतीजे 10 मार्च को पता चल जाएंगे। लेकिन आखिरी दिन लड़ाई की बात करें तो सबसे ज्यादा शोर खालिस्तान का सुनाई दिया और पंजाब की लड़ाई भ्रष्टाचार, ड्रग्स, बेअदबी, किसान आंदोलन से होते हुए वोटिंग वाले दिन खालिस्तान पर आकर के खत्म हुई। भगवंत सिंह पन्नू इज अ खालिस्तानी आउट एंड आउट। खालिस्तान की जो आउटफिट्स है, उनकी जो कार्यकर्ता है, वो जो देश को बांटना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी इज स्पीकिंग द लाइंस ऑन व्हाट पाकिस्तान हैज बीन फोमेंटिंग ट्रबल, दे आर स्पीकिंग ऑन दोज लाइंस। उन्होंने हम पर इल्जाम लगाए हैं, बौखलाहट बौखलाहट। खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान। पंजाब में चुनाव वाले दिन भी गूंजता रहा खालिस्तान, फिर चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। हर नेता की जुबान से बस यही सुनने को मिलता रहा कि बॉर्डर स्टेट होने के नाते पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा सबसे अहम है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का खालिस्तानी आतंकी पन्नू से गहरा नाता है। सबसे पहले सुनिए सीएम चन्नी का गंभीर आरोप, कैसे खालिस्तान के मुद्दे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर चन्नी के निशाने पर आ गए। देखिए, खालिस्तान वाला एंगल ऐसा है कि जो केजरीवाल है वो बाई हुक और क्रूक किसी तरह भी सत्ता पे काबिज होना चाहता है और उसने खालिस्तान की जो आउटफिट्स है, उनकी जो कार्यकर्ता है, वो जो देश को बांटना चाहते हैं, लोग देश के विरोधी लोग हैं, उनसे सपोर्ट ली है। ये सपोर्ट है जो बहुत ही खतरनाक है। चन्नी के बाद केजरीवाल को खालिस्तान के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया ने भी जमकर घेरा। भगवंत सिंह पन्नू इज अ खालिस्तानी आउट एंड आउट, टोटल एंटी नेशनल एंड ही इज सपोर्टिंग केजरीवाल एंड अब इसका पता नहीं कितना असर होएगा। आम आदमी पार्टी इज स्पीकिंग द लाइंस ऑन व्हाट पाकिस्तान हैज बीन फोमेंटिंग ट्रबल, दे आर स्पीकिंग ऑन दोज लाइंस। केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे तो विरोधी दलों को जवाब देने के लिए सामने आए पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान, जिन्होंने इन आरोपों को बकवास कहा और इसे विरोधी दलों की बौखलाहट करार दिया। हमारे मुद्दे तो स्कूल ही है, हमारे मुद्दे तो अस्पताल ही है, हमारे मुद्दे तो बिजली है, हमारे मुद्दे बेरोजगारी है, हमारे मुद्दे इंडस्ट्री को वापस लाना, हमारे मुद्दे माफिया राज को खत्म करना, ये उनके बदले हैं। उन्होंने हम पर इल्जाम लगाए हैं, बौखलाहट बौखलाहट बौखलाहट। पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा नया नहीं है, 80 के दशक से इसकी गूंज पंजाब के लगभग हर चुनाव में सुनाई दे जाती है। लेकिन इस बार शोर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ऐसा पहली बार है जब इसके आरोपों की जद में आम आदमी पार्टी आई है। ये वो पार्टी है जिसके बारे में सियासी पंडित मानकर चल रहे हैं कि इस बार वो पंजाब में कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है और इन्हीं कयासों के बीच आप पर आरोप भी उस शख्स ने लगाए हैं जो एक वक्त केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में शुमार थे। कुमार विश्वास के इसी आरोप के बाद सीएम चन्नी ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी, गृह मंत्री अमित शाह से मामले की जांच कराने की अपील की। अमित शाह ने सीएम चन्नी को प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से आपके कनेक्शन की जांच का भरोसा दिलाया और गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया कि भारत सरकार सच का पता लगाने के लिए मामले की तह तक जाएगी। बाद में केजरीवाल सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आए और खुद को स्वीट आतंकी बताते हुए सभी विरोधी दलों पर आपके खिलाफ एक साथ हो जाने का आरोप लगाया। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आतंकवादी दो किस्म के होते हैं, एक वो आतंकवादी होते हैं
जो जनता में खौफ फैलाते हैं, और एक वो आतंकवादी होते हैं जो भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाते हैं। आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर लुटेरे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, और ये मिलके इनको मेरे से डर लग रहा है। एक तरह से इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ, जनता के लिए तो मैं स्कूल बनवाता हूँ, जनता के लिए अस्पताल बनवाता हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ। इन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोते हैं तो इनके सपने में आता हूँ मैं। केजरीवाल कितने सच्चे हैं या उन पर लग रहे आरोप सच्चे हैं, इस पर जब जांच होगी तब तस्वीर ज्यादा साफ होगी। लेकिन जिस तरह से आयन चुनाव वाले दिन पंजाब में ये मुद्दा ज्यादा ही गर्माया, उसे देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी था कि क्या पंजाब के मतदाताओं ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया, और क्या चुनाव में इसका आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और चलिए बात करते हैं झारखंड में भाषा पर छिड़े विवाद की, जिसके खिलाफ नीतीश कुमार ने भी मोर्चा खोल दिया है। यहां पर मगही और भोजपुरी की मान्यता खत्म कराने को गलत बताया है, इस रिपोर्ट को देखिए। हम नहीं समझते हैं कि राज्य के हित में कर रहे हैं। झारखंड में भोजपुरी, मगही और अंगिका की मान्यता खत्म किए जाने के खिलाफ बिहार की दो धुर विरोधी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। झारखंड में चल रहे भाषा विवाद का लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने एक सुर में विरोध किया है। उधर भी मगही है तो ये बात हमको आश्चर्य लग रहा है, भोजपुरी भी उधर है तो ये बात को हमको आश्चर्य लग रहा है। और ये सब बात अगर कोई कर रहा है तो हम नहीं समझते हैं कि वो राज्य के हित में कर रहे हैं। विरोध कर रहा है, उनका विरोध हम लोग करते हैं। भोजपुरी और मगही की मान्यता खत्म करने को लेकर बढ़े विवाद के बाद राज्य सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया, लेकिन भाषा को लेकर राज्य की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। ये प्रथम जिस दिन ये नोटिफिकेशन निकला था भोजपुरी का, मगही का, धनबाद और बोकारो, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री से हमने चर्चा किए कि ये उचित नहीं है, अब फिर से सर्वे कर दें। दरअसल शुक्रवार को आदेश जारी कर राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा के तौर पर भोजपुरी और मगही की मान्यता खत्म कर दी थी, जिसके बाद से जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार के फैसले को लेकर पार्टी ही दो फाड़ में बढ़ती नजर आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले का विरोध करते हुए इसे राज्य के हित के खिलाफ बताया था। झारखंड के लोगों का बिहार से, बिहार के लोगों का झारखंड से कोई अलग नहीं, एक साथ। जब कह रहे हैं कि दो लैंग्वेज को अल्पसंख्यक की बात है, ये तो दोनों राज्य की बात है, ये मालूम ही नहीं है। जो बॉर्डर एरिया है पूरा सोच लीजिए, तो अलग हो गया है बिहार और झारखंड, उसी पूरे बॉर्डर को देख लीजिए। भले ही सरकार ने मगही और भोजपुरी की मान्यता खत्म करने के फैसले को रद्द कर दिया है, लेकिन मुसीबत खत्म होने के बजाय और बढ़ गई है। सरकार के फैसले से पार्टी का एक धड़ा नाराज हो गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी नाराजगी जाहिर की। महतो का कहना है कि राज्य में बाहरी भाषाओं की जगह क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जाहिर है झारखंड में भाषा पर उठा विवाद आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो ये इस वक्त की कुछ अहम खबरें आपको हमने दिखाई, आगे भी खबरें लगातार जारी हैं।